हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हेमंत जैन। आज हम बात करने वाले हैं एमएमटीसी लिमिटेड के बारे में, जो कि बोनस इशू करने वाला है। पहले ही इन्होंने बोर्ड की मीटिंग में बता दिया था और जो रिकॉर्ड डेट है वो अभी निकल के आई है, तो 4 मई 2018 ये एक रिकॉर्ड डेट है। और अगर आपको भी बोनस चाहिए और अगर आपके पास ये स्टॉक है, तो आपको 4 तारीख को डीमैट अकाउंट के अंदर ये जो स्टॉक है आपके रहना चाहिए। और ये जो कंपनी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है, एक नवरत्न कंपनी है। और अभी जो इसका स्टॉक का प्राइस चल रहा है लगभग 65 रुपीज के ऊपर चल रहा है। तो मैं पूरी डिटेल्स बताऊंगा और जो सेबी के बीएससी के अंदर जो पूरा लेटर है वो भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, और जो ये कंपनी करती क्या है उसके बारे में भी मैं बताने वाला हूँ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो और कोई भी इंफॉर्मेशन अच्छी लगती हो और इन्फॉर्मेटिव हो, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। तो चलिए मैं बता देता हूँ ये एमएमटीसी कंपनी के बारे में। सबसे पहले ये जो एमएमटीसी कंपनी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटरप्राइज है, आप देख सकते हैं। और ये जो कारोबार करती है वो एक इंडिया की लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी है। तो ये ट्रेडिंग करती है, एक्सपोर्ट करती है और गवर्नमेंट की कंपनी है, तो मीन्स काफ़ी अच्छी मीन्स ये कंपनी लगती है। और ये इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, मिनरल्स, मेटल्स, प्रेशियस स्टोन्स, एग्रो प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, कोल एंड हाइड्रोकार्बन, मीन्स काफ़ी जो प्रोडक्ट्स हैं गवर्नमेंट के, ये एक्सपोर्ट करती हैं। तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या क्या प्रोडक्ट्स देती हैं, आप देख सकते हैं। और इसका जो स्टॉक है आप देख सकते हैं 101 के ऊपर गया था, और हाल ही में वो गया था कुछ महीनों पहले लगभग नवंबर में। और इसका जो लो है आप देख सकते हैं 45.50 लगभग मार्च में गया था। और इस कंपनी ने बोनस इशू किया, उसी के बाद थोड़ा मीन जो स्टॉक रिकवर हुआ है, और अभी जो बोनस इशू का डेट है वो भी डिक्लेयर हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये 64.60 पे अभी चल रहा है, और इसका जो 52 वीक लो 45.50 और 101 का हाई है। इसके जो फाइनेंशियल्स है वो भी दिखा देता हूँ। इसका जो मार्केट कैप है 6460 रुपए का है, डिविडेंड भी देती है। और जो इसका नेट सेल्स हुआ था पहले जो सितंबर का क्वार्टर है उससे थोड़ा कम हुआ था, और प्रॉफिट भी थोड़ा कम हुआ था, तो उस हिसाब से शायद प्रेशर आया होगा। लेकिन जो ये गवर्नमेंट की कंपनी है तो इसमें नुकसान तो होने वाला कम है, तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। फिर भी आप अपना रिसर्च करिएगा, अपने एडवाइजर से कंफर्म करिए, उसी के बाद स्टॉक कोई भी लीजिएगा। तो आज इसी के बारे में बताना था कि ये आप देख सकते हैं ये एक बोर्ड ऑफ मीटिंग का लेटर है, रिकॉर्ड फॉर बोनस इशू। यहाँ पे लिखा गया है इन कंटिन्यूएशन ऑफ आवर नोटिस डेटेड ऑन 14 मार्च एंड 19 मार्च, 14 और 19 मार्च को ये डिसाइड किया गया था, लेकिन जो डेट है अब निकल कर आ रही है। और द कंपनी हैज फिक्स फ्राइडे मार्च 4, 2018 एज रिकॉर्ड डेट। जो 4 तारीख है उस दिन आपका जो स्टॉक है ये आपके अकाउंट डीमैट अकाउंट में रहना चाहिए, तो ही आपको ये बोनस शेयर मिलेगा। और ये जो बोनस शेयर है वो 1 शेयर 2 शेयर के ऊपर मिलने वाला है। अगर आपके पास 100 शेयर है तो आपको 50 शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे और ये आपको डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। और इसका जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपीज का है। तो आज इसी के बारे में बताना था। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अगर आपके पास ये बोनस शेयर्स, सॉरी आपके पास स्टॉक है, तो आप उस दिन तक या मई 10 तारीख तक, जब तक ये स्टॉक आपके अकाउंट में नहीं आ जाते, जब तक होल्ड करिएगा। तो यही कहना चाहता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे हर एक इम्पोर्टेंट वीडियोस की। चलिए, थैंक यू।